आत्मनिर्भर भारत एक ऐसा कंसेप्ट जो लोगों को सवाल में रख दिया था कुछ दिनों पहले कि इसका मतलब क्या है। एंड ये कंसेप्ट कुछ दिनों पहले जब हमारे सामने आया तो ना ही सिर्फ इंडिया, पूरे वर्ल्ड की नजर इंडिया पे आई कि ये क्या नई चीज है। तो दोस्तों मेरे पास बहुत से कॉल आए बहुत से दोस्तों के कि समीर जी इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए कि इसका मतलब क्या, एक्चुअल में हाउ वी कैन फॉलो दिस, बिकॉज बहुत से मेम्स और सब कुछ बन रहे थे जहाँ पे इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता चल रहा था। तो लेट्स डिस्कस ऑन दैट थिंग टुडे। आज दोस्तों मैं वीडियो में जानने वाले हैं कि व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ आत्मनिर्भर भारत, बेनिफिट्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत, बारकोड एनालिसिस जिससे मुझे मालूम पड़े कि मेड इन इंडिया है कोई भी चीज है, एंड हाउ वी कैन मेक आवर कंट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस ऑफ दिस आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो उसके ऊपर आज हम देखेंगे। दोस्तों मैं हूँ सीएड समीर चौधरी एंड आप देख रहे हैं हमारा चैनल फिनटेक चाणक्य, जहाँ आपको मिलती है फाइनेंस एंड टैक्सेशन की आसान समझ और लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूले, तो आपको हर एक बेनिफिट आपको इसके मिल सकते हैं। एंड काइंडली कॉमेंट एंड लाइक द वीडियो। ये इमेज सबको याद होगी कि 12 मई 2020 को शाम को 8 बजे लॉकडाउन के समय पे मोदी जी आए और उन्होंने कहा कि वी आर नाउ फॉलोइंग आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना, जहाँ पर उन्होंने 20 लाख करोड़ देने की बात की एज ए इकोनॉमिक पैकेज। और उसके बाद FM जो हमारे देश के हैं वो 5 ट्रांच में सबके सब बेनिफिट देने की बात की उन्होंने। तो जब ये सवाल आया मेरे दिमाग में तो मैंने सबसे पहले डिक्शनरी ओपन की और उसमें मैंने देखा कि व्हाट इज मीनिंग इन इंग्लिश, तो उसका प्रोनाउंसिएशन आया आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता। और जब उसका मीनिंग देखता हूँ दैट इज सेल्फ हेल्प, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशेंसी, मीन्स अपने पैरों पे खड़ा होना ये कह सकते हैं हम। और वी कैन से कि जो करना खुद को करना है, अब दूसरों के भरोसे नहीं रहना। तो मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, मीन्स मेकिंग अ सेल्फ रिलायंस और सेल्फ डिपेंडेंट टू इंडियंस, मीन्स हम अपने कदमों पे खड़े होंगे। उसके बेनिफिट्स क्या है दोस्तों, अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो देश की कोई भी बेनिफिट्स हमें एक दो दिन में नहीं पता चलेगी, इट टेक्स सम टाइम। तब उसके अगर बातें कर दो, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि जो आज़ादी के पहले की बात थी वो वापस हो रही है, स्वदेशी अभियान, बूस्टिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट होने लगे, सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने लगा या सब कुछ हम उसको ही फॉलो करेंगे तो देर विल बी बूस्टिंग इन इंडियन इकोनॉमी, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। जब हम यहाँ की चीज़ें यूज करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होगा, इंडस्ट्री सब फ्लरिश होगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जो आज देश की मेजर प्रॉब्लम में से एक है। हम इंपोर्ट करना कम करेंगे एंड अगर सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो रहा है तो हम एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट करेंगे, तो देर विल बी इंक्रीज इन फॉरेन रिजर्व, हमारी इंडियन करेंसी मजबूत होगी अगेंस्ट डॉलर वी कैन से। जो भी अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रही है तो रिसोर्सेज जो है इंडिया के वो मैक्सिमम यूटिलाइज होने वाला है, द GDP विल गेट इंक्रीज, जो अभी GDP नेगेटिव में आ गई है अब वो इंक्रीज एंड वो अपमूव होने लगेंगी। बेनिफिट्स, मैक्सिमम बेनिफिट्स मैं ऐसा कहूंगा टू इंडियन बिजनेसमैन, ऑब्वियसली ग्रोथ ऑफ MSMEs, बिकॉज वी नो कि इंडिया में MSME बहुत सारी है एंड इसीलिए उनको ही बेनिफिट ज़्यादा मिला है ये अभियान के समय पे, तो उनका ग्रोथ होगा, उनका ग्रोथ होगा तो बाकी इंडिया अपना भी आगे बढ़ेगा। एंड अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हुआ, इफ आवर कंपनीज विल बी कॉम्पिटिटिव विद फॉरेन कंपनीज, दे विल बी इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। तो अगर मुझे मेड इन इंडिया देखना है तो हम हर जगह पे देखते हैं मेड इन इंडिया, कोई कुछ भी छाप देता है, कुछ भी होता है। तो लेट से हम बारकोड कैसे रीड कर सकते हैं, तो दोस्तों 13 डिजिट का होता है स्टैंडर्ड टाइप जो है बारकोड का, उसमें जो पहले 2 डिजिट है वो कंट्री कोड बताते हैं, उसके बाद के जो 6 डिजिट है वो बताएंगे मैन्युफैक्चरिंग कोड, उसके बाद के डिजिट 6 बताएंगे आपको आइटम कोड, और लास्ट में जो आते हैं दैट इज अ चेक डिजिट, 2 डिजिट होता है उसके होते हैं। तो हमें देखना क्या है, सबसे मेन हमें फोकस करना है कंट्री कोड पे। तो दोस्तों 890 इज फॉर इंडिया, वी कैन सी हियर मेड इन इंडिया अगर होगा तो 890 में वही देखना है, अगर वो हो तो इट विल बी गुड फॉर मी। बहुत सी बातें आई टू बॉयकॉट चाइना, नहीं ये सब वो सब, टू बी फ्रैंक होना भी चाहिए अगर उन्होंने गलती की है तो उनका कोड है दोस्तों 690, 691 एंड 692, एंड कहीं कहीं 695 तक भी वो इंक्रीज होता है, और बाकी
इफ इट्स यूएस एंड कनाडा इट विल बी 0-0 to 0-9, फ्रांस का है तो 30-37, जर्मनी 40-44, ताइवान 471, जापान 49 एंड यूके 50. एंड अगर इनके अलावा कोई भी कोर्स है तो अदर देन ये कंट्रीज में कहीं बना है, मीन्स वी कैन से कि फॉरेन कंट्री का माल है. अब हमें क्या सक्सेस का हम क्या ध्यान रखें, तो सबसे पहले हमें देखना दोस्तों, अगर हमें कुछ भी हम परचेस में जाते हैं तो क्या वो चीज़ भारत में बनी गई है, मीन्स मेड इन इंडिया बाई इंडियन कंपनी. अगर वो नहीं है तो ये मुझे सिर्फ इंडियन कंपनी से ही माल लेना है. अगर कोई फॉरेन की कंपनी वगैरह इंडिया में आके अपना प्रोडक्शन कर रही है तो स्वदेशी जैसी हो वी कैन से, तो फिर भारत में बनी विदेशी कंपनी द्वारा निर्मित वस्तुएं खरीदें, मीन्स वी कैन से कि मेड इन इंडिया बाई फॉरेन कंपनीज. उसके अलावा दोस्तों अगर वो नहीं हो सकता तो हमें ये देखना है कि मेड इन फॉरेन बाई इंडियन कंपनीज. लेट्स से मैं जैगुआर की बात करूँ अगर, तो यूके की कंपनी थी जिसको टेक ओवर किया टाटा ने, अगर वहाँ पे अगर वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो इंडियन कंपनी से मैन्युफैक्चर किया है, तो वी हैव टू सी ऑन द थर्ड पार्ट फॉर दैट थिंग. अगर वो भी नहीं है तो वी हैव टू चेक दैट मेड इन फॉरेन बाई फॉरेन कंपनीज. अगर हम ये कंसेप्ट ध्यान रखते हैं तो इट विल बी रियली गुड फॉर अस. दोस्तों अगर हम इतना फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली वी विल हैव अ सक्सेस फॉर आत्मनिर्भर भारत. थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अभी कुछ सवाल है या आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कॉमेंट पे जरूर लिखिए. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. एंड अपने दोस्तों को मैक्सिमम ये वीडियो भेजिए कि मैंने इंटरनेट पर चेक किया कि इतनी डिटेल कहीं पे भी अभी कहीं प्रोवाइड नहीं हुई है, तो एटलीस्ट ये कंसेप्ट हमारे पीएम का मैक्सिमम वो फॉरवर्ड होना चाहिए. हेल्प अदर्स एंड कीप ग्रोइंग. थैंक्स अ